हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि हाउ टू प्लांट्स लिव, यानी प्लांट्स कैसे रहते हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा की लर्निंग पॉइंट्स है वो है डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे, और जिसमें कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड नेक्स्ट वन इज स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में जो हमें बताया गया है वो है, आवर अर्थ इज़ द होम टू मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो घर है किसका, मिलियंस, लाखों डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जो जीवित जीव हैं उनके रहने का वो एक घर है। ठीक है, लिविंग थिंग्स शेयर सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका एक सर्टेन एक कॉमन करेक्टर होता है जिसके रीज़न से वो अपने आप को सर्वाइव करा पाते हैं, विच एनेबल देम टू सर्वाइव। दीज आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस, जिसको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ओके, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन आर इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पे लाइफ प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है और एक्सक्रिएशन है। ओके, वी शैल स्टडी अबाउट द लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत न्यूट्रिशन को। ओके, न्यूट्रिशन इज़ द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन कैरी आउट एक्टिविटीज़ टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो भी हमारी बॉडी सेल्स है वो ऑर्गेनिज्म को क्या कराती हैं, एक्टिविटी कराने में हेल्प करती हैं, यानी उसको जीवित रहने में, किसी तरह का काम काज करने में उनको हेल्प कराती हैं। ठीक है, यू हैव लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर न्यूट्रेटिव वैल्यू इन क्लास सिक्स। आप लोगों ने क्लास सिक्स में इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में सोर्सेज ऑफ फूड चैप्टर या कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर में पढ़ा था। ओके, क्लास सिक्स में। नेक्स्ट वन इज ग्रीन प्लांट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फूड चेन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दे कैन मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम बेसिक सब्सटेंस वाटर एंड मिनरल्स फाउंड इन द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफियर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कुछ बेसिक सब्सटेंस की हेल्प से बनाते हैं, जिनमें वाटर है, मिनरल्स है, और उस मिनरल्स को वो पाते हैं सॉइल से एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से और सन की लाइट। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, यानी और जो भी सिंपल सब्सटेंस हैं उनको यूज़ करके वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आर यूज इन दिस लाइन। ऑल ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट, यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं क्या, सोलर एनर्जी को, यानी सन से आने वाली एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, और जिससे वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड नहीं बना सकते हैं, वो टोटली डिपेंड होते हैं किस पे, ग्रीन प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। दे हैव टू ईट प्लांट्स आर देयर अदर एनिमल्स दैट हैव ईटन प्लांट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी अगर उनको जीवित रहना है, अपने लिए भोजन पाना है, तो वो क्या करते हैं, वो अदर
प्लांट पर या अदर एनिमल पर टोटली डिपेंड होते हैं, ठीक है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनिमल लाइफ। यही कारण है, यही रीज़न है जिसके रीज़न से एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर ट्रेवल करते हैं, किसके सर्च में, फूड के सर्च में, शेल्टर आश्रय के सर्च में, और एसेंशियल पार्ट ऑफ एनिमल लाइफ, ये जो भी जीव हैं उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग येलो बॉक्स को देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस एनर्जी, प्रमोट ग्रोथ, रिपेयर वॉर्म आउट टिश्यूज एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी पोषक तत्व हैं, वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी जो भी फूड हम खाते हैं जिनमें आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, तो ये जो हैं कंपोनेंट्स, ये जब केमिकल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होते हैं और फिर ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं, हमारे बॉडी का पोषण करते हैं। नरिशमेंट मतलब होता है पोषण, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस एनर्जी, और वो न्यूट्रिएंट्स हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उस एनर्जी से क्या होता है, प्रमोट ग्रोथ, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, वो ग्रोथ करते हैं, रिपेयर होते हैं, और वॉर्न आउट टिश्यूज़ और जो भी टिश्यूज़ है वो डेवलप होते हैं, एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेज, और हमारे शरीर में जो भी बीमारियाँ हैं उनसे वो फाइट बैक करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सेल। सेल क्या है, कोशिका। ए सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस सराउंडेड बाई ए जेली लाइक साइटोप्लाज्म एंड बाउंडेड बाई ए सेल मेम्ब्रेन। सेल क्या है, एक मास है किसका, प्रोटोप्लाज्म का, जिसके पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। जेली आपने देखा होगा ना, जैम जेली जो आपके घर में आता होगा, आपकी मम्मी आपको रोटी के साथ खाने के लिए देती होगी, ठीक है, तो वो जेली लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म एंड बाउंडेड बाई ए सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एंड कैन बी कंपेयर्ड विद ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग। सेल को हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आपके घर हैं, आपके मकान हैं, उसमें सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या यूज़ करते हैं हम लोग घर बनाने में, ब्रिक्स, ईंट, ठीक है, तो उसी तरह सेम हमारे बॉडी को प्रिपेयर करने में सेल अपना महत्वपूर्ण रोल हेल्प करती है। ओके, सेल कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। सेल को हम देख सकते हैं किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू, क्योंकि ये सेल बहुत ही छोटा होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। जो प्लांट हैं और जो एनिमल्स हैं वो दोनों अलग अलग टाइप्स के सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, दीज आर द मेन पार्ट ऑफ एनिमल सेल। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। तो बेसिकली आप सभी ने क्लास सिक्स में ही स्टडी इसके बारे में किया हुआ है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड नरिश देमसेल्व्स। ग्रीन प्लांट्स ऑल एल्गी एंड सम बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी। यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम पार्ट ऑफ सॉइल लाइक मिनरल्स, वाटर, ओके, तो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स, यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, ऑल एल्गी, एल्गी ये भी एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो अपने जिसके पास प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से वो अपना फूड स्वयं प्रिपेयर कर पाता है, एंड सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये तीन बातें ध्यान रखनी है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से कौन कौन बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक से हम जानते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल ड्रॉ देयर फूड। यानी ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पे जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं यानी जो हरे पेड़ पौधे नहीं हैं, या ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड डिफरेंट सोर्सेस से पाते हैं
दीज सोर्सेज में भी प्लांट्स आर एनिमल दैट ईट प्लांट, यानी वो सोर्सेज अलग तरह के प्लांट भी हो सकते हैं या अदर एनिमल्स भी होते हैं, तो वो आपके एटोट्रॉफ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पेज को टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज में देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एल्गी के बारे में लिखा हुआ है, सिंपल प्लांट्स डैट ग्रो इन वाटर, यानी ऐसे प्लांट जो ग्रो करते हैं कहाँ, वाटर में, पानी में, दे मे रेंज फ्रॉम सिंगल सेल, और उनके पास जो सेल है वो एक सिंगल सेल होती है। एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइडोमोनास टू टॉल सी विट्स, ये एक तरह की घास है जो आपके स्थिति में पाई जाती है। दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट, उसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्या है, क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाता है और अपना फूड प्रिपेयर कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देखिए इसका बना हुआ है एल्गी का। ओके, और नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं, इसको अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स विच मेक आर सिंथेसिस देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटीरियल्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसिस करते हैं अपने फूड को फ्रॉम सिंपल रॉ मटीरियल, यानी साधारण मटीरियल का यूज़ करके, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एज दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम रॉ इनऑर्गेनिक मटीरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स, यानी वो सिंपल जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या होते हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे, इनको हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स रेंज फ्रॉम सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट्स लाइक एल्गी टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स लाइक द लार्ज प्लांट्स ट्री, यहाँ पर ये छोटे एल्गी से लेकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी जटिल तरह के जो लार्ज ब्रांच ट्री होते हैं वो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाई ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो इट मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन। तो ऐसा मोड जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, ऐसा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो नरिशमेंट है यानी जो पोषण है किसका, खुद के लिए, ऑटो यानी सेल्फ और ट्रॉप्स इट मीन्स नरिशमेंट यानी खुद के लिए पोषण करना। ठीक है, नेक्स्ट है लीव्स, द प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज। ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, यानी जो भी ग्रीन लीव्स होती हैं वो किचन होती हैं किसका, प्लांट की। एज द सेल्स ऑफ दीज लीव्स देयर आर टाइनी स्ट्रक्चर्स द क्लोरोप्लास्ट, और जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी बहुत ढेर सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, जो द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो जिनका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, वेयर फूड इज़ मेड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है कौन से प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है विच इज़ क्लोरोफिल, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, यानी हरित लवक, दैट मेक्स द लीव लुक ग्रीन, जो लीव को क्या रखता है, ग्रीन रखता है। ठीक है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इन प्रीवियस पेज आई हैव टेल अबाउट दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन, ऑल ग्रीन प्लांट्स make their own food by the process of photosynthesis. Here the energy are converted into solar energy are converted into chemical energy. Okay, it's a very important line. Here CO2 plus H2O and gives C6H12O6 plus O2. प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो आपको एक chemical formula दिख रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लिखा है, वाटर का फार्मूला लिखा हुआ है, ग्लूकोज का फार्मूला लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का फार्मूला लिखा हुआ है, और जो लाइन बनी हुई है उसके ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि CO2 प्लस वाटर जब मिलता है किसके प्रेजेंस में,
क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो ग्लूकोज प्रिपेयर करता है, ऑक्सीजन प्रिपेयर करता है और एनर्जी प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे द इक्वेशन नीड नॉट बी बैलेंस एट दिस लेवल, द एरो रिप्रेजेंट प्रोड्यूस्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है इसका लेवल, बट यहाँ पे जो एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोड्यूस, ठीक है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, और आप लोगों ने क्लास सिक्स में ही देखा था कि ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, कहाँ पे, प्लांट के लीफ में वो ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, और वो ग्लूकोज प्रिपेयर होने के बाद वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट के अलग अलग डिफरेंट पार्ट में जहाँ भी नीड होती है वहाँ वो स्टोर हो जाता है, ओके। एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, एक्ट्स अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी बातें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग यानी जो टिश्यू हैं, जब ढेर सारी सेल आपस में मिलती हैं, तो सेल जब ढेर सारी सेल आपस में मिलती हैं तो उसको टिश्यू बोलते हैं, ओके। दे आर कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यूज। यहाँ पर प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं जो फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, और फूड बनाने के लिए भी कुछ मटेरियल जो प्लांट की लीफ तक पहुँचते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो एंड आर प्लेस्ड एज डबल पाइपलाइन थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। यानी प्लांट में दो तरह की पाइप होती हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम और कैरिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव, एंड फ्लोएम फ्रॉम कैरिंग डिजॉल्व फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन ऑफ प्लांट। यहाँ पे आपको बताया गया है कि दो तरह के जो वैस्कुलर टिश्यू हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम का वर्क होता है वाटर और मिनरल्स को रूट से खींच कर लाना और लीव्स तक पहुँचाना, और फिर उस लीव में जो फूड बनता है, फूड बनने के बाद उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाने का काम फ्लोएम वेसल्स का होता है, ओके। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। अब हमारी बुक में हमें जो आगे बातें बताई गई हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी अगर हमारा वीडियो पूरा देखें तो उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू। और अभी तक जितना भी पार्ट हमने पढ़ा उसमें जो भी क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को सर्च आउट करेंगे और मुझे बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस एंड कलरफुल डे प्यारे बच्चों।